दोस्तों आज बात होगी यूरोप महाद्वीप में बसे एक बेहद ही सुंदर देश मॉल्डोवा के बारे में। यूं तो पूरे यूरोप में 44 लैंडलॉक कंट्रीज हैं, इनमें से एक मॉल्डोवा भी आता है जिसकी कोई भी सीमा समुद्र को नहीं छूती। सबसे पहले तो आपको बता दें इस देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ मॉल्डोवा है और इस देश की जमीनी सीमा दो देशों से लगती है, जिसके पश्चिम में रोमानिया और उत्तर पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन से मिलती है। आपको बता दें यह देश यूरोप के सबसे छोटे देशों में गिना जाता है, जो कुल 33,846 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो आकार के लिहाज से दुनिया का 139वां और यूरोप का 32वां सबसे बड़ा देश है। वहीं अगर आबादी की बात की जाए तो मॉल्डोवा की कुल जनसंख्या 40 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 131वां और यूरोप का 28वां बड़ा देश है। वहीं अगर मॉल्डोवा की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 123 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। दोस्तों मॉल्डोवा का मुख्य धर्म ईसाई धर्म है और यहाँ की पूरी आबादी का लगभग 90% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। दोस्तों मॉल्डोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज रोमेनियन है, जो यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाती है। दोस्तों मॉल्डोवा देश का लगभग एक तिहाई हिस्सा रोमेनियन मूल का है और इन दोनों देशों में एक जैसी ही संस्कृति है। हालांकि देश की मुख्य भाषा रोमेनियन है, लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग मॉल्डोवा और रशियन भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मॉल्डोवा देश का कॉलिंग कोड +373 है और यहाँ के लोग यूरोप के अन्य देशों की तरह दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। मॉल्डोवा में जो करेंसी चलती है उसे मॉल्डोवन लीव कहा जाता है और इस देश में हमारे भारत की 1 रुपए की कीमत 0.25 मॉल्डोवन लीव के बराबर है, यानी एक लीव की वैल्यू भारत के 4 रुपए के करीब है। चिशिनाव मॉल्डोवा की राजधानी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों क्या आप जानते हैं मॉल्डोवा देश को 27 अगस्त 1991 में सोवियत यूनियन से आजादी मिली थी। ईस्टर्न यूरोप में रोमेनिया और यूक्रेन के बीच स्थित मॉल्डोवा के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते, लेकिन यह देश अपने जंगलों, पहाड़ों और पठारों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। साथ ही मॉल्डोवा देश की गिनती यूरोप के उन देशों में की जाती है जहां बहुत कम लोग ही घूमने जाते हैं। दोस्तों मॉल्डोवा कितना गरीब देश है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सभी यूरोपीय देशों में इसकी GDP सबसे कम है। जी हाँ, यहाँ की GDP $22,000 से भी कम है। इस मामले में यूरोप के दूसरे देशों से मॉल्डोवा काफी पीछे है। दोस्तों मॉल्डोवा के बारे में कहा जाता है कि यूरोप में खुलने वाली शराब की हर दूसरी बोतल यहीं के जमीन से आती है, तो अगर आप शराब पीने के शौकीन हैं, तो यह देश आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। यहाँ काले अंगूर से बनाई जाने वाली शराब यूरोप में सबसे अच्छी मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ अंगूर की खेती पिछले 25 मिलियन सालों से हो रही है। इसके अलावा इस देश में बनने वाली शराब आसपास के देशों में एक्सपोर्ट की जाती है, जो इस देश की इनकम का बहुत बड़ा जरिया है। मॉल्डोवा में प्रति व्यक्ति हर साल 6.1 लीटर शराब पी जाती है, जो दुनिया के किसी भी देश में इतनी शराब नहीं पी जाती। यहाँ के बच्चे भी काफी शौक के साथ वाइन पीते हैं। दोस्तों मॉल्डोवा देश की महिलाओं को बेहद रंगीन माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियों को नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है। वैसे तो यहाँ की लड़कियाँ 20 से 30 साल के भीतर ही शादी कर लेती हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद ही अपनी शादी से बोर होकर इन्हें नए नए दोस्त बनाने की आदत बन जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।